शबूपुरा में रह रही सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर जख्मी है, सीमा जा रहा है। और इस वायरल वीडियो पर सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि ये फेक वीडियो है, सीमा और सचिन दोनों आराम से रह रहे हैं। सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी झूठी अफवाहजनक खबरें चला चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज़ चैनल ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी भी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दो, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं, उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है। और इस वक्त हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी कुछ देर पहले एपी सिंह साहब से मेरी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ फेक है, अपना वीडियो भी जारी किया है, लेकिन जो वीडियो है कहां से आया है, क्या इसकी पड़ताल की जा रही है, क्या फेक है या सही है, क्या कुछ खबर मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फर्जी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं। उनका कहना है दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं, जिस तरीके से अभी हमने बाइट भी सुनी, उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम और माता सीता, इसके साथ साथ और भी तमाम भगवान के उन्होंने उदाहरण दिए, जिसमें कहा कि वो उनकी जीवन पद्धति देखती, दोनों के बीच में कोई वाद विवाद नहीं है, दोनों खुशहाली से रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो आया है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए आपको एक बात और बताना चाहेंगे, दरअसल में कुछ दिन पूर्व जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर है उसका उद्घाटन होना था, उस दौरान भी सीमा ने इस तरीके से कहा था कि उन्हें पैदल जाना है, उन्हें अयोध्या तक पैदल जाएंगी, वो सीमा और सचिन दोनों पैदल जाएंगे, उसके लिए परमिशन लेंगे। एपी सिंह वकील आए थे, उस दौरान सुंदरकांड की पुस्तकें बांटी थी, उस दौरान भी ये एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि सीमा के चेहरे पर आंख के नीचे जो है काले रंग का निशान था, ये पूछा गया था, तो उन तक की चोट लग गई है। फिलहाल अब जिस तरीके से इस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। और इसकी जांच होने की बात जब एपी सिंह से बात की गई है मेरे द्वारा भी, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और इसको लेकर वो संभवतः पुलिस के पास भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो आया उसके बाद एपी सिंह की सफाई आई है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि किस तरीके से ये वीडियो बनाए गए, ये वीडियो भारत में बने हैं या ये वीडियो पाकिस्तान में, क्योंकि लगातार एपी सिंह यही क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो पाकिस्तान में बनाए गए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जरिए बनाए गए हैं। सफाई दी गई है वीडियो को लेकर।